काहे के ताना काहे के भरनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चगरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी चगरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी चगरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी। पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चगरिया, सुषमन तार से बीनी चगरिया, आठ कमल दल चरखा डोले, आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण कीनी चगरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी, जीनी जीनी बीनी चगरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी। साई को गुनत मास तस लागे, साई को गुनत मास तस लागे, ठोक ठोक के बीनी चगरिया, ठोक ठोक के बीनी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली ही
दास कबीर यतन से ओढ़ी, दास कबीर यतन से ओढ़ी, यतन से, यतन से, यतन से, दास कबीर ने ओढ़ी यतन से, दास कबीर ने ओढ़ी यतन से, ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी जीनी बीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी, जीनी जीनी बीनी चदरिया, जीनी जीनी बीनी चदरिया, जीनी जीनी बीनी चदरिया, जीनी 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 चदरिया, बीनी 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 चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी, जीनी जीनी बीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी। इस मानव शरीर को कबीर चादर कहते हैं जो बहुत झीनी है। झीनी मतलब फ्रजाइल, ब्रेकेबल। झीनी मतलब विच वोंट सर्वाइव यू लॉन्ग। झीनी मतलब इट इज एज टेंडर एज अ फ्लावर which just blooms in the early morning for 2 hours or so and then it dies. We think we have a very long life, 80, 90, 100 years, although just few who will live up to 100. Most are going to pop off at 60, 70. The kind of stress, the kind of food you are eating, actually you are running to your grave very quickly. And surprisingly, you think you are living very good. पर ये मानव शरीर इतना कोमल है जैसे फूल, और इतना जल्द टूट जाएगा जैसे कांच, और ऐसे खो जाएगा जैसे जला हुआ कपूर। आप आरती की थाली में कपूर जलाते हो, जब जहाँ उसको आग दिखाई, कुछ ही समय में लपक के वो फिर खत्म हो जाता है और पीछे कटोरी में कालिक बचती, कपूर कहाँ गया? इसी को कहते जीना, जीनी। दिस वर्ड इज क्रिएशन ऑफ कबीर साहेब। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स when the mystical language is spoken, it doesn't has one meaning, it has many more meanings to it. And we have forgotten the habit to use our brains, right? We don't use it properly. But mystics like Kabir give us an opportunity to refine our language senses also. जीनी बीनी चदरिया, ये जो मानव शरीर आपको मिला है ये अति कोमल,
खत्म हो जाने वाला, बह जाने वाला, फिर इसका निशान भी न रहे, और इस देह के साथ आप जी रहे हो, तो प्रश्न पूछते हैं कबीर, काहे के ताना काहे के भरनी। कपड़ा बनता है तो उसमें दो धागे होते हैं जिसे क्रिस क्रॉस करके गांठ लगती है, नॉट लगते हैं, तो चादर या कोई भी वीविंग जब होती है तो उसकी बुनाई में उसकी गांठें उसकी रिफाइनमेंट को बताती हैं। अगर बहुत छोटी गांठ है तो बहुत अच्छा है, और मोटी गांठ है तो उतना ही वो कोर्स हो जाता है। तो प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा ये जो मानव शरीर है ये किस ताने से बना है, क्या है इसमें? और अजीब सी बात है, हम कभी इस विषय पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पर कबीर आपकी सिर्फ फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहे। अगर फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो फिर उसमें तो आयुर्वेद आ जाएगा, और मैं इस समय अगले दो घंटे आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से शरीर में क्या है मैं दो घंटा उसी पे बोल सकती हूँ, लेकिन कबीर सिर्फ शरीर का मटीरियल क्या है, किस से बना है, वो उसकी बात नहीं कर रहे। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु हैं जिससे शरीर बना। और आसान कर दूं तो जो आपने बहुत बार सुना है मुझसे, वो है शरीर पंच तत्वों से बना, राइट? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन कबीर वो भी नहीं कह रहे, कबीर बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। वो तत्वों की बात नहीं कर रहे, वो एलिमेंटल बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर जो कह रहे हैं वो शायद आपके लिए कुछ मुश्किल होगा समझना, लेकिन अगर मैं कहूँ संपूर्ण राजयोग अथवा संपूर्ण पतंजलि सूत्रों को समझना हो तो कबीर साहब के इस पद की एक पंक्ति को समझने के लिए आपको वो पूरा ज्ञान चाहिए, वो पूरा विज्ञान चाहिए। इंगला पिंगला तान भरनी, तुम्हारी देह में तीन प्रवाह चल रहे हैं, तीन प्रवाह चल रहे हैं, और ये तीन प्रवाह असल में तीन नहीं हैं, ये तीन प्रमुख प्रवाह हैं, हठ योग और दूसरे योग के शास्त्र ने कहा कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। और जब हम नाड़ी कह रहे हैं तो आपके शरीर में जो नसें हैं वो उसकी हम बात नहीं कर रहे। नाड़ी शब्द का अर्थ होता है फ्लो, द फ्लो। सो इस शरीर में 72,000 चैनल्स है जिसमें जीवन ऊर्जा फ्लो हो रही है, बह रही है। अब आप अपना MRI करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो ये 72,000 क्या उसका एक भी आपको चैनल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो फिजिकल नहीं है। जब आप कहते हो कि कोई जिंदा है तो दिल फेफड़े पेनक्रियास लंग्स लिवर इसकी वजह से कह रहे हो वो जिंदा है, और जब किसी को कहते हो ये मर गया है तब आप देखेंगे तो उसके शरीर में दिल दिमाग लिवर पेनक्रियास इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर सब कुछ तो होता है, पर क्या चीज़ है जो नहीं है उसमें? श्वास बिल्कुल भी नहीं। श्वास शरीर में ना रहे तो भी जीवन होता है, अब आप जानते ही नहीं हैं। असल में विषय बहुत गंभीर हमने उठाया है, तो इस समय अच्छा ये रहेगा आप सिर्फ चुपचाप सुनिए, क्योंकि आप गलत उत्तर देंगे और फिर गलत उत्तर से गाड़ी कहीं और जाएगी। सिर्फ श्रवण करिए अभी आप। बल्ब की आकार, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है इसका जो आप आकार देखते हैं फिजिकल, इसके अंदर जो है फिलामेंट वो लाइट नहीं है। फिलामेंट
फिलामेंट का वो एक तार निकल जाए तो हम कहते बल्ब फ्यूज हो गया, तो अब बल्ब किसी काम का नहीं रह गया। लेकिन मजे की बात देखिए कि आपके शरीर के अंदर जिसमें ये जीवन रूपी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वो फिलामेंट फिजिकल भी नहीं है। इफ यू ओपन अप द बॉडी ऑफ अ पर्सन लाइक इन विद दे डू इन द बाईपास सर्जरी, दे कट आउट द स्ट्रेनम, पुल आउट द होल चेस्ट केज एंड देन दे रिपेयर द हार्ट, कैन दे फाइंड एनी वन कॉर्नर वेयर दे कैन से ओ दैट्स द पॉइंट वेयर द लाइफ इज। I have asked so many times these doctors, can you explain me what is life? And they always give me one answer. The functioning of all organs is life. But that isn't true. MBBS, MD, students, lecturers, principals, I have asked all, can you explain me what is life? क्या है जिसकी वजह से दिल धड़कता है, क्या है जिसकी वजह से आपके रक्त चलता है, क्या है कारण जिससे आपके सारी मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शंस, इंद्रियों का फंक्शन, ऑर्गन का फंक्शन, सब फंक्शन चलता है, वो फंक्शन किससे हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म कहते हमें नहीं मालूम। Isn't it strange? यहां तो और बड़ी मस्त चीज होती है। एक ने कहा मेरे पेट में बड़ी दर्द हो रही है, एक्सरे किया तो अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेम्ड है, निकाल दो, काट दो, बाहर कर दो। क्या फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं, ये तो ऐसे ही वेस्टिज है, निकाल दीजिए, कोई फायदा नहीं होता। अभी जस्ट फ्यू मंथ्स अगो some of the doctors have written this article now after their research that it is very important and it is not just a vestige. par aakhir mein unhone fir bhi likh diya, par sooj jaye to nikal do, fir koi baat nahi, organ theek na chale to usko nikal do, unka gyan itna kehta hai, transplant kar lo, heart ka, brain ka, abhi to skull ka bhi hua hai। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी शरीर में लाइफ को ट्रांसप्लांट कर दो तो क्या करेंगे वो? देयर इज नो वे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा इसको हल्का करती हूं विषय को। आपके कुछ हजार या कुछ लाख पाउंड और मकान और वो सब कीमती है या आपकी जान कीमती है? जान कीमती है। ये आपकी जान जिस सिस्टम से चलती है, क्या उस सिस्टम को समझना जरूरी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और उस सिस्टम को समझने की दिशा में ही हम अष्टांग योग का सहारा लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले शरीर का मास्टरी करते हैं, शरीर को अपने काबू में करते हैं, फिर श्वासों को, फिर इंद्रियों को, फिर मन को, ताकि प्राण की समझ आ सके। एक ने कहा जी हम तो समझते थे कि आसन वो लोग करते हैं जिनकी तबीयत खराब होती है, जिनका बीपी होता है या कुछ और होता है। बिल्कुल गलत। चूंकि अभी आप शरीर के तल पर हैं, सिर्फ शरीर को ही समझते हैं जहां, और इसी शरीर से भोग भोगते हैं, इसी शरीर से जी रहे हैं, इसी शरीर से कर्म कर रहे हैं, तो ये शरीर तुम्हारा चल कैसे रहा है और ये ठीक ठाक चलता रहे, तो इसकी इसका जो मैनेजमेंट है उसे आप अच्छे से कर सको, ताकि
फिर आप अभ्यास के लिए माने प्राणायाम के लिए ठीक से बैठ सको। जिसकी कमर दुख रही है, जिसकी गर्दन दुख रही है, जिसे सर्वाइकल है, जिसे लोअर बैक पेन है, जिसे पेल्पिटेशन होती रहती है, जिसे परमानेंट पेट में दर्द चलती रहती है, जिसके शरीर में ट्यूमर ग्रो हो रखे हैं, अब ऐसे शरीर के साथ आप कहो कि 2 घंटा बैठ कर के बिना हिले आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो पॉसिबल नहीं है। And until and unless you don't sit, you won't go into the depths of your own mind. And people have chosen a simple and easy way. They say it's a hard thing, don't tell us hard work to do, give us simple answer. And the simple answer is this: we come to you, we do pranam, we put some money in front of you, and you give us a miraculous blessings. And we live long and healthy. Don't ask us to do anything. क्योंकि हम तो बड़े बिजी हैं, 10 घंटे काम करते हैं, जॉब करते हैं, घर चलाना है, बच्चे हैं, ये है वो है, कौन बैठ करके ये सब कुछ करे। तो एक बात आप समझिए, बहुत अच्छे से समझिए कि अगर आप इस विज्ञान को समझने के लिए समय नहीं निकालेंगे, अभ्यास क्या करना है वो नहीं सीखेंगे, तो आप अपने इस शरीर के साथ कितने दिन जी लोगे, ये तो मरनहारा है। तुम प्लानिंग भले अगले 50 साल की करके बैठ जाओ और ये हो सकता अगला मिनट भी न जिए। और फिर लोग यही कहते क्या कर क्या हुआ था, अरे कुछ नहीं, अच्छे भले बैठे थे बस लुढ़क गए। नहीं कुछ तो हुआ होगा, कहते हाँ थोड़ा बहुत बीपी होता था कभी कभी। ले बीपी से क्या कोई बंदा मर जाता है, तो मन में एक डर आ जाता है कि बीपी कंट्रोल करो। कैसे करेंगे, गोली खा के। वो कंट्रोल नहीं है, वो सप्रेशन है। कबीर साहब जो यहां पर बात कर रहे हैं वो बात बहुत गहरी है, मैं सूत्रबद्ध उसको कह दूं ताकि अपने विषय को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और जो आपके काम आ सके वो बात, और जो समझ आ सके वो भी बात मैं कह सकूं। हमारे शरीर में मौजूद इन 72,000 चैनल्स में, 72,000 नाड़ियों में जो प्राण शक्ति प्रवाहित होती है, उसी की वजह से हमारा सारा सिस्टम शरीर का चलता है। और मुख्य इन 72,000 में भी 3 नाड़ियां हैं जिसको हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। तो कबीर कहते हैं काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। किस तार से तेरा शरीर बना है, तो कबीर कह रहे हैं ये तेरे शरीर में प्रमुख 3 हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण बीनी चदरिया। तेरे इसी शरीर में 8 चक्र हैं, उन चक्रों को हम कमल भी कहते हैं। कबीर जी यहाँ पर उसे कमल कह रहे हैं, लेकिन ये कमल इंगित करता है उन चक्रों की प्रति। इन चक्रों के कार्यवाहित होने के कारण तुम्हारा शरीर चल रहा। तो 3 नाड़ी और 8 चक्र और ये जो चरखा है शरीर का जिसमें ये चक्र चल रहे हैं, सो चरखा पंच तत्व का है। तो 5 तत्व का ये शरीर का चरखा, इसके अंदर ये 3 तारे, इसी के अंदर ये 8 चक्र है और डोल रहा है ये शरीर तुम्हारा, चल रहा है, जी रहा है इसकी वजह से। यूं आप समझिए कि इस इड़ा और पिंगला का जो प्रवाह है, ये आपके शरीर और आपके मन के चलने का कारण, यही 2 प्रवाह हैं। और इसका भौतिक रूप अगर मैं कहूं, द फिजिकल फ्रेम इफ आई टॉक अबाउट, देन दैट वुड बी
थ्रू योर ब्रेथ इज द वे थ्रू विच यू विल बी मेकिंग एन एक्सेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्लोर व्हाट दिस इड़ा एंड पिंगला आर. इज आर एनर्जी फ्लोस. ये ऊर्जा के चक्र से हमारे इस शरीर को जो हम भोग रहे हैं वो कहते साईं को बुनत मास दस लागे. साईं माने परमात्मा को इस शरीर रूपी चादर को बनाने में बोले 10 महीने लगे थे. 9 से 10 महीने दैट्स द टाइम व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड शी होल्ड्स द बेबी. नाउ माय क्वेश्चन इज डज दैट वुमन create the body or the nature is creating the fetus in her body. She is just custodian of that fetus. That's it. पिछले दिनों एक स्त्री से मेरी बात हो रही थी. बहुत समय से माँ बनना चाह रही थी पर हो नहीं रहा था. फिर वो गर्भवती हुई. फिर तीसरे महीने में जब वो टेस्ट के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि हार्ट बीट नहीं है.